हाँ तो भाई पिछला मैच में हम लोग एक प्लेयर से मिस कर गए, उसका चोट मेरे को अभी तक पूरा जिंदगी भर रहेगा यार, क्योंकि बहुत मेहनत करके टीम बनाया था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, उससे भी दोगुना मेहनत करके इसमें टीम बनाएंगे। ये है भाई चेन्नई वर्सेस गुजरात फाइनल मैच होने वाला है, तो बस बस यार अपना कम से कम कर्तव्य निभाइए, कमेंट बॉक्स खोलिए और लिखिए आज #चेन्नई चाहे #गुजरात, जो आपको लगता है मैच आज दोनों में से जीतेगा उसका #टैग जरूर होना चाहिए भाई साहब आज। ठीक ना, आपसे मैं खुल के मांग रहा हूँ, आज देखता हूँ आज कितने लोग देते हैं, जो इस वीडियो से पूरा फायदा उठा रहे हैं, हमसे फायदा उठा रहे हैं, कम से कम एक मेरे लिए #चेन्नई चाहे गुजरात आपको लिखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में आज। ओके, चलिए उम्मीद है कि लिखेंगे, बस आगे बढ़ते हैं भाई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद 28 मई 7:30 बजे PM मैच खेला जाएगा। हालांकि मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज क्या है भाई, देख सकते हैं कितना बज रहा है अभी अभी, अगर टाइम की मैं बात करूँ तो 2:40-45 करीब में हो रहा है। ठीक है, और डेट की बात करें तो 27/5 देख सकते हैं सैटरडे, मतलब मैं भोर में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मैं खुद जा रहा हूँ कहाँ, अहमदाबाद 28 तारीख को, वहीं मिलूंगा स्टेडियम में। जो पहला बंदा, 10 बंदा जो पहला मिलेगा हमारा, ठीक है, जो भी हमसे मिलेगा 10 बंदा पहला, उसका तो पहले जो भी टिकट लगा होगा स्टेडियम का, वो टिकट का खर्चा हमारा, हम देंगे उसको टिकट का पैसा। ठीक है, रिटर्न फोन पे गूगल पे जो भी हो, पे बस होगा मोबाइल से। ठीक ना, उसके बाद स्टेडियम में अगर भाई बैठने के लिए होती है, साथ अगर मिलते हैं कहीं पर, तो स्टेडियम में जो भी खर्च होती है खाने पीने के, सारा हमारा रहेगा। ठीक ना, तो जरूर जो लोग मिल सकते हैं कम से कम जरूर मिलेगा स्टेडियम। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से वो प्लेयर है जिसको हम लोग अपने टीम में लिया जाए, क्योंकि दोनों भाई प्लेयर जो है कि हाई प्रोफाइल है, जब फाइनल खेल रहा हूँ। सोचने वाली बात यह है, एक कमाल की बात मैं बताता हूँ आपको, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये जब मैच स्टार्ट हुआ था फिर भी यही दोनों प्लेयर थे। ठीक है, यही दोनों टीम था स्टार्ट हुआ था, अब इसी ग्राउंड पे खेला गया था, अब जब इंड हो रहा है फिर भी यही दोनों है और इसी ग्राउंड पे मैच हो रहा है, कमाल की बात यह है। मगर हाँ, पहला दिन हुआ क्या था कि भाई चेन्नई हारी थी, गुजरात जीती थी उस दिन। ठीक है, जहां तक मेरे को ध्यान है पूरा अच्छे से, चेन्नई ही हारी थी, गुजरात जीती थी उस दिन भी, जो है कि गायकवाड़ अच्छा चला था और सुमन गिल भी, ठीक है, साहब भी साथ में। हालांकि हम आगे दिखाते हैं सब कुछ, किसको रखना है इस बार, किसको छोड़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सारा काम जो आपको बोले कर दिए होंगे। अब उसके बाद ये चीज देखिए, इसमें इसके लिए एक लाइक यहाँ मांगा जाता है भाई साहब। ठीक है, क्या है, एक लाइक मांगा जाता है। टॉपिक कवर इन दिस वीडियो, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, एवरी प्लेयर स्टेटस और प्लेयर बैटल, प्लेयर परफॉर्मेंस, GL टिप्स, बेस्ट GL इन SL टीम, आपको साथ में वीडियो में दिया जाएगा। कमाल है ना, तो एक लाइक बनता है कि नहीं, बिल्कुल बनता है यार, दिल खोल के मारा कीजिए यार, यही लाइक साइक के सहारे तो जीते हैं यार, 2:30-3 बजे वीडियो कौन बनाता है हम भी उठते देख लेके चल हटा मस्ती करते, मन नहीं, हम जान रहे कि मेरे पीछे 50,000-1,00,000 लोग हैं, उनके लिए भाई करके जाना आप लोग, है ना। चलिए फिर आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए ये टेलीग्राम है जहाँ पर आपको दी गई आज टीम, और देखे होंगे मिलाए होंगे आप, जो टीम में दिया था वही टीम से मैं खेलता हूँ। ठीक ना, और उतना नहीं है कि जो खेलूँ दूसरा दूँ आपको दूसरा, ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है भाई साहब। ओके, तो चलिए वही टीम पाने के लिए आपको क्या करना है, पुराने लोग तो जानते ही है, मगर फिर भी एक बार पुराने लोग भी यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए अपना, यहाँ मोर पर क्लिक करना है। ठीक है, नए लोग समझिए ज़्यादा ध्यान से, मोर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर टेलीग्राम खुल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मतलब यूट्यूब का खुल जाएगा, यहाँ टेलीग्राम है ऐसे खुल जाएगा, टेलीग्राम वाला लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, 50,800-700 सब्सक्राइबर आपको दिखाई देंगे, अगर आज आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ये 52,000 हो जाएगा। ठीक है, कोई भरोसा नहीं आपके ऊपर है भाई साहब, इसको आप सब्सक्राइब यहाँ पर कैसे करेंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, ज्वाइन पर जब क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पर टीमें दी जाएगी। एक भाई साहब का हमारे पास कमेंट आ गया, भैया आज टीमें नहीं दी आप, हम बोले अरे अब कहा बोले आगे यार, हम ऐसे बोले अरे भाई हम भाई टीम दी आप, पहले ये चेक कर लीजिए कि ओरिजिनल आप टेलीग्राम से जुड़े हैं कि नहीं, चुप हो गया बंदा फिर तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप चेक कर लीजिए एक बार ना कि ओरिजिनल हमारा टेलीग्राम से आप जुड़े कि नहीं। हम जिस वीडियो का बोले ना, मैं जिस वीडियो में बना दिया उसका टीम में दूंगा चाहे मरते दम तक, मगर हाँ कल की टीम में टेलीग्राम में थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो सकता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर हम बना के दे देंगे। हालांकि वीडियो भी बना के दिखाएंगे आपको टीम, क्या है कि मैं जा रहा हूँ स्टेडियम, हो सकता है स्टेडियम में अगर नेट खत्म हो जाता है, जिससे होता नहीं है, हम तो गए नहीं है कभी, लोग बताते हैं कि कहीं कहीं भाई टावर हटा दिया जाता है, मोबाइल आपका नहीं पकड़ता, उस स्थिति में हो सकता है टीम ना जा पाए। ठीक है, मगर पूरा कोशिश रहेगा टीम जाएगा, हालांकि मैंने मॉडरेटर भी बना दिया है। ठीक है, वो बंदा टीम आपको दे देगा टेलीग्राम पे, टेंशन नहीं लेने का, अगर हमसे नहीं वहां से हो पाएगा तब दूसरा बंदा दे देगा टीम। ठीक है, मगर जाएगा टीम। ओके, याद रखिएगा और एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी से सारा कुछ है भाई, हम भी आपसे बात करते हैं, आप भी हमसे बात करते हैं, प्लस में सारे स्टेट सारे फायदे हम लोग इसी से लेते हैं। एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि अब आ रहा है वर्ल्ड कप, धमाल मचाएंगे बैक टू बैक। ओके, और ये बात सच्चाई है कि जो मैं दे सकता हूँ वीडियो में ना, वो आपको और कोई नहीं दे सकता, याद रखिएगा इस चीज को। देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम
पिच एनालिसिस, अब यहां से देखिए ध्यान से समझिए, जो चीज करना था कर दिए, जो नहीं किए उसके लिए भी धन्यवाद, जो किए उनके लिए भी धन्यवाद भाई, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये है पिच, ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसको मैं कल आंखों से देखने वाला हूँ कैसा है भाई, आपसे ऐसा तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, बड़ा भी अच्छा खासा है नया स्टेडियम है, ठीक है। एवरेज स्कोर 100 से 160 से 180 पिछला मैच हुआ ही, देखिए कि आप हाईएस्ट स्कोर कितना है 233 तीन विकेट पे, ठीक है। लोएस्ट स्कोर कितना है 102 रन 10 विकेट पे। पिच सुटेबल फोर कितना है भाई, बैलेंस पिच चाहिए। देखिए कभी कभी यहाँ पर ऐसे तो ज़्यादातर देखा गया बैटर लोगों को चलने का चांसेस रहता है यहाँ पर ज़्यादा, कोई कोई बैटर अच्छा खासा ढूंढ देता है, ठीक है, जैसे गायकवाड़ हो गए, सुमन गिल हो गए, तो ये सब बैट्समैन अच्छा खासा यहाँ पर चल देते हैं, मगर हाँ पेसर बॉलर्स को भी सपोर्ट यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मिलता है हम लोग देखे यहाँ पर, ठीक है। तो कौन पेसर बॉलर कौन है भाई, वो आइए आगे बात करते हैं, देखते हैं कौन है, ठीक है। मेनू टी ट्वेंटी स्टैटिक्स ये समझिए पहले, टोटल मैच 27, फर्स्ट बैट वन 13, ट्वेंट बैट वन 13, ले भाई कमाल हो गया, दोनों बराबर पे अब आके लटक गया, ठीक है। फर्स्ट बैट जब जीटी की थी ना स्टार्ट पिछला मैच में एम आई यहाँ हारा कि नहीं, ये था, ये यहाँ पर 12 था मगर 13 हो गया, ठीक है। उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न क्या है, 7 बार कितना बना जान रहा है, 50 बार से नीचे स्कोर 7 बार यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। बिटवीन यहाँ पर ये है बेलो स्कोर है, ठीक है। बिटवीन क्या है 150 से 169 छः बार ये भी बना है, मतलब समझ रहे इसका मतलब ना, मतलब कि 150 से 169 के बीच में, ठीक है, 169 के बीच में कितना बार बन गया, 6 बार बन चुका है, इस ग्राउंड की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद बिटवीन 170 से 189 8 बार बना है, एवं 190 से ऊपर 6 बार सिर्फ बना है। तो अगर बात करें 27 मैच टोटल हुआ है, ठीक है, उसके बाद 13 मैच हार जीत का हुआ है, एक मैच शायद टाई वगैरह कुछ हुआ होगा, उसका रिकॉर्ड अपने पास नहीं है। हाँ, इसमें अगर बात करें तो 7 मैच 150 से नीचे रन पे ही सिमट गया है, ठीक है ना, इसलिए मैं बोला बैलेंस पिच। हाँ, ये बात अलग है कि बैटर को भी एडवांटेज है और फास्ट बॉलर को भी एडवांटेज है यहाँ पर। तो आइए समझते हैं कौन ऐसे बैटर और कौन ऐसे फास्ट बॉलर हमें काम दे सकते हैं, हमारे काम आ सकते हैं। जैसे आज हमारा जोसन वैंड्रोप था शायद, हाँ वही घबरा दिया बस, नहीं तो सब अच्छा खासा था यार ठीक है। चलिए खैर कोई बात, जो हो गया सो हो गया, आगे चलते हैं, आगे चलना चाहिए इंसान को, है ना। देखिए रिसेंट मैच एट वेन्यू, ये 26 मई को एक मैच हुआ यहाँ पर, ठीक है, जीटी वर्सेस एमआई का, ओके 26 मई पिछला ही वाला, इसी की बात कर रहा है। 233 रन बनाई, 3 विकेट गंवाई और 20 ओवर में, यही हाईएस्ट यहाँ का 233 रन, ठीक है, अभी जो मैंने बात किया हाईएस्ट का। 171 रन एमआई जवाब दे पाए, जो कि एमआई के पास खतरनाक हैवी बल्लेबाज थे 6 नंबर तक, मगर नहीं हो पाया काम। 10 विकेट गिर गए इनके 18.2 ओवर में, पूरी टीम ऑल आउट हो गई, क्यों, क्योंकि भाई जीटी के पास जो बॉलर है ना वो किसी के पास नहीं है, ओके, इसलिए जीटी यहाँ तक पहुंचा भी है बॉलर के दम पे, ज्यादा बैट्समैन उसके खतरनाक नहीं है। शुभमन गिल अगर चलेगा तो फिर तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाती है टीम के, ठीक है, मगर शुभमन गिल के बदौलत ये होता है। इसमें पेसर कितना, फर्स्ट में एक, स्पिनर एक, मतलब जीटी को गिराया कौन था, 2 विकेट गिराया, मतलब पेसर एक और स्पिनर एक लेके गया, ठीक है, तीसरा किसी हिसाब से गिरा होगा, मैच अगर फुल देखे होगा आप तो समझ में आएगा कैसे गिरा था, ठीक ना। टू एंड पेसर में 8 और स्पिनर 2। टू एंड पेसर कौन, गुजरात जब बॉलिंग कराया ना, ये जीटी है ना, ये जीटी जब मान लीजिए बैटिंग की तो इसको एमआई बॉलिंग कराया भाई, तो एमआई कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब गुजरात जब यहाँ पर बैटिंग कर रही है आकर के, तो भाई यहाँ पर कौन किया, यहाँ पर जीटी, ये एमआई, सॉरी ये सॉरी, यहाँ पर एमआई बैटिंग किया, बैटिंग किया तो किसको, जीटी यहाँ पर आकर के बॉलिंग कराई, समझ गया ना, तो ये मामला इसका है। उसके बाद अगर एक और बात करें जीटी वर्सेस एलएसजी, जीटी यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट बैटिंग की, जीटी यहाँ पर भी फर्स्ट बैटिंग की, ध्यान दीजिएगा इसमें बहुत चीज़ें छिपा हुआ है। पहले तो इसमें देखिए 233 बना फर्स्ट बैटिंग करते हुए, फिर एक बार बैटिंग करते आई तो 227 बनाई, ठीक है, 2 विकेट गवाई 20 ओवर में, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ 3 विकेट तो यहाँ 2 विकेट, ठीक है, अहमदाबाद के पिच पे। एलएसजी यहाँ पर फिर जवाब देने आए, यह भी हारा यहाँ पर 7 विकेट गवा के 20 ओवर पूरा खेल करके चला गया। इसमें भी पेसर कितना, 2 ले गया, स्पिनर 0 ले गया, 2 ने पेसर 5 ले गया, स्पिनर 2 ले गया, मतलब जीटी का पेसर यहाँ पर काम कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, जीटी का पेसर है कि नहीं, ये काम कर रहा है ना, यहाँ भी 5 यहाँ भी 8, है ना। उसके बाद अगर और बात करें हम आगे, एक बार फिर से जीटी नंबर आई ऊपर भाई बैटिंग करने के लिए, हम बैटिंग करेंगे तो 188 बनाए 9 विकेट गवाए 20 ओवर में। एसआरएस क्या कि 154 बनाए 9 विकेट गवाए 20 ओवर, मतलब कि फिर यहाँ पर जीतने पर जीटी को जीत मिली यहाँ पर, ओके। फर्स्ट पेसर 8, स्पिनर 0, ठीक है, यहाँ पर 9 विकेट जीटी का गिर गया था। उसके बाद पेसर यहाँ पर 9 जीटी का, उसके बाद स्पिनर 0, मतलब कि पेसर यहाँ पर भी जीटी का कमाल किया, ये जीटी है, ठीक है ना, क्योंकि ये फर्स्ट बैटिंग किया है तो सेकंड बॉलिंग करेगा ये,
ठीक है। उसके बाद डीसी वर्सेस जीटी का मैच हुआ, एक तो डीसी जो है कि 130 रन बनाई 8 विकेट गवा करके 20 ओवर में, तो जीटी 125 रन बना पाई 6 विकेट गवा करके 20 ओवर में, मतलब चेज नहीं कर पाई यहाँ पर जीटी, क्योंकि डीसी का बॉलर थोड़ा सा हावी पड़ गया इसके ऊपर। हो सकता है शुभमन गिल आउट हो गए होंगे, तो फिर तो शुभमन गिल के बाद फिर खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो ही जाता है जीटी का, ठीक है। फर्स्ट पेसर में 6, स्पिनर में 1, पेसर फिर यहाँ सेकंड है 5, स्पिनर में 1। तो आप अगर पूरा ओवरऑल अगर देखेंगे इस जगह को, देखिए अगर मैं क्लीन करूँ यहाँ से, तो सब अगर नंबर मिला के आंकड़ा देखा जाए तो पेसर देखिए अच्छा खासा 9-9, 8-8 विकेट कुछ कहलाता है भाई साहब यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर है ना, कुछ कहलाता है। स्पिनर उतना नहीं है, है ना, उतना नहीं है स्पिनर, फिर भी है 1-2-4, मगर उतना नहीं है जितना होना चाहिए जितना पेसर है। तो वो पेसर हमको ढूंढना पड़ेगा, कौन पेसर है, कब ज़्यादा विकेट मिलेगा, स्टार्टिंग में कि एंड में कब मिलेगा, जिसको बोलते हैं स्टार्ट बॉलर, डेथ बॉलर, वो सब चीज़ बताएंगे भाई साहब। इसके लिए मांगते हैं क्या, 1 लाइक, ओके दे दिया कीजिए यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन तो करना ही, नहीं तो वही हाल हो जाएगा, जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद करो भाई, ये थाली है भाई साहब, ये चैनल आपका थाली है, इसी में आप खा रहे हैं सब कुछ कर, छेद नहीं करने का है, इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देने का है। देखिए लास्ट 8 मैच का मैं बता रहा हूँ आपको, 8 मैच में यहाँ पर कौन बॉलर कितना विकेट ले गया वो चीज़ समझिए। राइट आर्म फास्ट 18 विकेट है, राइट आर्म फास्ट मीडियम 19 विकेट है, राइट आर्म मीडियम 20 विकेट है, ठीक है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम 13 विकेट है, मतलब फास्ट बॉलर ज़्यादातर, ठीक है। लेग ब्रेक भी है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर 19 ले गया है। लेफ्ट आर्म चाइना मैन, जैसे कि चाइना मैन ये हो गया ना, क्या बोलते हैं एन से नाम है यार, जो नया वाला बॉलर है, क्या तो नाम है, आगे दिखाते हैं आपको, गुजरात का है ना, एन से शायद है, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी 4 है, ये सब ज़्यादा नहीं है, इनको अगर हम कट कर दें तो यहाँ से हम देख सकते हैं, मगर सबसे ज़्यादा इन चारों को देखना है। हाँ ये कौन है जानते हैं, ये कौन है, ये राशिद खान जैसा बॉलर है लेग ब्रेक, जो कि यहाँ पर अपना नाम रोशन किया हुआ 19 विकेट से, नहीं तो नहीं मिलने वाला था विकेट, ठीक है। ये पार्ट्स को ज़्यादा ध्यान देते हुए चलेंगे, इसमें से राशिद खान हो गया, और एक आध और अगर स्पिनर तगड़ा मिलता है तो हम उसको लेके चलेंगे, बाकी इनको तो हम ड्रॉप करेंगे, चाहे हमको जीत हो चाहे ना हो, हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे अगर देखें हम, तो ये है बाउंड्री का डायमेंशन, उसके बाद अगर बात करें डायमेंशन में, देख लीजिए ध्यान से भाई, नहीं तो हम बोलेगा अरे स्कोर कर देता है फटाफट यार, देख लीजिए यहाँ पर 66-68 मीटर का ये लंबाई चौड़ाई इसका है, तो अच्छा खासा इसका स्टेडियम है, लंबाई तो बहुत है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इसका है ना बैठने के लिए। अब देखिए अब क्या है, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, इसके बीच में भाई हेड टू हेड मैच कितना हुआ, हेड टू हेड मतलब आमने सामने, जैसे आपस में हम दोनों का झगड़ा हो गया तो हेड टू हेड इसको हो गया, ठीक है, हम कितना बार जीते आप कितना बार जीते, तो यहाँ रिकॉर्ड यही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चेन्नई है, ये गुजरात है, ठीक है, 4 बार मैच हुआ है जिसमें से गुजरात 3 बार जीती है, चेन्नई 1 बार जीती है। उसके बाद अगर दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीम अगर 5 मैच खिलाया गया है तो देख सकते हैं चेन्नई जो है कि सिर्फ 4 बार यहाँ पर जीती है, सिर्फ मतलब मेरे से एक निकलने वाला था लॉस का, मगर विन का निकल गया इसलिए सिर्फ, ठीक है, तो ये 4 बार है। उसके बाद गुजरात जो है कि 5 बार अगर खिलाया गया है तो ये 3 बार विन की है, मगर बात यहाँ सवाल ये आता है कि इधर में धोनी साहब है तो इधर में चेला साहब है, कह सकते हैं इनको, है ना ओके मतलब हार्दिक पांड्या। और बात ये भी है कि भाई दो दो बार ये जीत करके आ रही है लगातार, ये एक बार यहाँ पर हारी भी है एक बार फिर यहाँ जीती है गुजरात, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बहुत धोनी के बाद भाई बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मगर हार्दिक पांड्या पास वो एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। हाँ जरूर मैं मानता हूँ कि धोनी की भी जो है ना बैटिंग कैपेसिटी और जीटी की भी कैपेसिटी बैटिंग की वही है, मगर धोनी के पास थोड़ा सा बॉलर डाउन पड़ते हैं, मगर जीटी का बॉलर बहुत हाई है सबसे ज्यादा, बहुत इसीलिए तो जीता है जीटी आज तक, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स ये क्या है, पॉसिबल प्लेइंग 11, ठीक है, चलता नहीं है बीच बीच में यार, मर करवा मूड खराब करता है, सही टाइम पे चलना चाहिए, ताव होता है तो है ना, वो ताव में चलना चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐसा करके खेलने आएंगे ये। हाँ ये है 7 नंबर पे, अब इनकी मर्जी है कि भाई इनको चाहेंगे भैया हम यहाँ खिलाएंगे तो इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, मगर पॉसिबल प्लेइंग 11 इस टाइप के यही लोग खेलने आ सकते हैं, चेन्नई ज़्यादा बदलाव नहीं करता है, तो अभी से भी आप टीम चाहे तो बना सकते हैं, ये टॉप ऑर्डर है, ये मिडिल ऑर्डर, ये लोअर ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें कैप्टेंसी कर रहे हैं भैया यही धोनी साहब, और कीपिंग भी यही करेंगे, बाकी ऑलराउंडर इनके पास अच्छा खासा है, ठीक ना। चलिए एक एक लोग के बारे में समझते हैं यहाँ पर, तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर राइट आर्म मीडियम का तो नंबर मतलब झड़ी लगा हुआ भाई, देख रहे हैं राइट आर्म मीडियम अच्छा खासा बॉलिंग इनका भी चलने वाला इस बार। चलिए आगे एक ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे आप सही से और अच्छे से निकाल पाएंगे, ठीक ना। देखिए अगर बात करें यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड की, तो ऋतुराज गायकवाड राइट हैंड बैटर है ये, ओके 15 मैच दिस सीजन मतलब पूरा आईपीएल में, ये आईपीएल में खेल चुके हैं, और 564 रन इनका बना हुआ है,
43 का एवरेज है इनका, ठीक है। उसके बाद हेड टू हेड में चार मैच है, 278 रन बनाया, एवरेज कितना 59 का है, 69 है, हाँ 69 है भाई, 59 सलाह 89 87, बड़ा खतरनाक चीज़ है भाई। वेन्नू एक मैच यहाँ पर खेले है, 92 रन है और 92 का ही एवरेज है, रिसेंट परफॉर्मेंस है 60, फिर से आ गया 79 साल है, 70 में क्या बोलते हैं यार, 70 78 79, हाँ 79 79, फिर 17 है, फिर 24 है, फिर 30 है। देखिए ऋतुराज गायकवाड़ का जब जीटी सामने आता है तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस चलता है। अब वेन्यू पे तो देख ही रहे हैं यहाँ पर, और जीटी भी यहाँ पर देख ही रहे हैं, ये जीटी है, जितना बार खेला ये जीटी के साथ खेला गया मैच है, ये हेड टू हेड का मतलब, ठीक है। और वेन्यू पे भी अच्छा खासा चले हैं। डेविन कॉनवे की बात करें तो भाई 15 मैच है और 52 का एवरेज इनका, मगर हेड टू हेड 15 का एवरेज है, वेन्यू पे एक का है क्योंकि दो मैच खेल के दो रन बनाया, रिसेंट परफॉर्मेंस में 40 87 30 10 44 है, ठीक है। एक स्क्रीन शॉट आप लेते चलिए साथ में, ओके। चलिए यहाँ पर स्क्रीन शॉट हो गए, अब उसके बाद आगे बढ़े यहाँ पर तो देखते हैं यहाँ पर अजिंक्य रहाणे, देखिए हो सकता है कहीं एकाध अगर मिस हो तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि भाई रात में इतना खटाखट मैच तुरंत खत्म हुआ और तुरंत 2 बजे से वीडियो बनने लगा स्टार्ट, तो हो सकता है जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस हो सकता है इसमें, ठीक है। अजिंक्य रहाणे तो भाई 13 मैच खेला, ये 33 का एवरेज है और हेड टू हेड में 17 का है, वेन्यू पे 47 का है, ओके। तो मेरे हिसाब से एक हो जाएंगे ऋतुराज गायकवाड़, एक आपके लिए अजिंक्य रहाणे भी हो सकते हैं, ठीक है, 47 का है और रिसेंट परफॉर्मेंस में 17 है 16 है 21 है और 21 है, ठीक है। हाँ इनको अगर ना बैठा सकते हैं आप इनको तो बैठाइए शिवम दुबे को लेकर जा सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि इनका आप स्टार्ट देखेंगे जब स्टार्ट हुआ था अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनका था उस दिन, ठीक है, जिस दिन ये मैच हुआ था भाई, मैच नंबर कितना है 15, यहाँ पर भी ये भी मैच खेल चुके हैं लगातार, 35 का एवरेज है, ओके, बड़ा फास्ट खेलते भी है और हेड टू हेड 39 है चार मैचों में, वेन्यू पे एक मैच खेल के 19 रन बनाए हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस में 1 22 48 नबाद 25 फिर 26 नबाद, थोड़ा सा फास्ट खेलते हैं बस, इनके अंदर ये है और ये क्या है, आराम से पारी को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो दोनों का कंपेयर अगर करेंगे तो भाई मेरे हिसाब से इन्हीं को लेकर चलना चाहिए, बाकी जो फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम पर दूंगा, अभी के लिए मेरे हिसाब से सही रहेंगे ये क्या बोलते हैं दुबे, ठीक है। उसके बाद की अगर बात की जाए मोइन अली 14 है 129 रन है, ठीक है, हेड टू हेड में 4 मैच खेल के 54 रन है और 1 विकेट है साथ में, वेन्यू पे 1 मैच खेले हैं 23 रन है और विकेट तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है भाई देख सकते हैं यहाँ पर 9 नबाद है, यहाँ मौके नहीं है, फिर 1-0 है, फिर 7-0 है, फिर 0, बड़ा फ्लॉप चल रहा है काफी दिनों से, हो सकता है मोइन अली का जलवा इस बार देखने को मिल सकता है, ठीक है, एक बार को रिस्क लेकर एक टीम में जगह इनका बनना चाहिए आर ओ भी, ओके। रविंदर जडेजा तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भाई 15 मैच खेले हैं और 175 रन है, 19 विकेट ले चुके हैं, हेड टू हेड में 45 रन है 3 मैच में, ठीक है, 4 विकेट है, वेन्यू पे 2 मैच खेल के 1 रन है और 2 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 22 पे 2 है, 20 नबाद पे 1 है, 20 पे 0 है, 21 पे 1 है, तो 1 है, मतलब कह सकते हैं 30 से 40 पॉइंट तो किसी तरह रोते गाते रविंद्र जडेजा के बैटों से बॉलिंग से कुछ से करके आपको मिल सकता है, ठीक है, जरूर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है मगर फिर भी आपको मिल सकता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रविंद्र जडेजा अपने चेन्नई सुपर किंग के लिए है, ठीक है। एम एस धोनी इनका तो भाई जवाब ही नहीं है, लाजवाब, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 34 नबाद है, 11 नबाद है, वेन्यू पे 49 नबाद है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 1 5 नबाद 2 नबाद 20 फिर 2 नबाद 7 नंबर बैटिंग करने आते हैं, थोड़ा सा दिक्कत ये है, अगर ये 3 नंबर पर शिफ्ट किया जाता बड़ा मज़ा आ जाता धोनी को लेने में भाई, खैर कोई बात नहीं चलते हैं आगे। महेश पथराना राइट आर्म मीडियम, यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, आ गया बात नंबर पे भाई, 11 मैच है 17 विकेट है, ठीक है, हेड टू हेड 2 मैच के 4 विकेट है और वेन्यू पे क्या है, रिकॉर्ड्स इनका नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है, 2 है 2 है 0 है 3 है 3 है, ठीक है, पहला मैच जब खेला गया था तो ये उस दिन खेल ही नहीं रहे थे, ओके, मगर हाँ राइट आर्म मीडियम है तो लेके चलने के लायक है बंदा। उसके बाद अगर बात करें तो महेश थिक्साना आर ओ बी है ये, ओके, 12 मैच खेले हैं, विकेट 11 है, हेड टू हेड में 2 मैच खेल के 4 विकेट है, वेन्यू पे तो इनको भी मौका नहीं मिला, रिसेंट परफॉर्मेंस में 2-2 0-0-0। दीपक चहर की बात करें भाई, 9 मैच में 12 विकेट है, हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट है, वेन्यू पे 1 मैच में कोई विकेट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, राइट आर्म मीडियम है और रिसेंट परफॉर्मेंस में 2-3-3-2-0। देखिए अगर आपको याद होगा तो 3-4 मैच कम से कम चहर का कोई विकेट नहीं मिला था, मतलब इनका सिलेक्शन परसेंट अगर मैं बात करूँ, मैं देखा था कितना, मतलब आदमी यही होता है इंसान का खूबी,
इंसान देखिए जब गिरता है बहुत ज्यादा ना तो बहुत तेजी से ऊपर भी आता है, इसलिए सबर रखना चाहिए आदमी को, ठीक है। धोनी साहब भी सबर रखे, पूरा 9 मैच इनको खिलाए और ये भी अपने आप में सबर रखे। मैं देखा था कि 30% 20% कभी कभी 10% सिलेक्शन परसेंट बेचारे कर रहा है, ठीक है। उस समय कोई विकेट नहीं मिलता था, आप जाके देख सकते हैं, मगर आप देखिए 2-3, 2-2, 3 यहाँ पर 3 फिर 2, हर मैच में 2-2, 3-3 विकेट मिल रहा है। इसको बोलते हैं सबर का फल मीठा होता है, ओके। मगर मेहनत बंदा करते गए, ये नहीं सोचा कि आज नहीं मिला चलो बॉलिंग नहीं करेंगे, किया बॉलिंग उसी, चलो लेंगे मिलेगा, मिल रहा है अपना। तो ऐसा होता है दीपक चहर राइट आर्म मीडियम, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकते इस मैच में। तुषार देशपांडे ये भी राइट आर्म मीडियम, ठीक है। उसके बाद 15 मैचों में 21 विकेट, 9.5 का इकोनॉमी, हेड टू हेड में 12.5 का इकोनॉमी, बहुत तेजी से रन देते हैं, ये बात तो सही है। एक ओवर में 12.5 रन 13 रन पिटवाना कुछ कहलाता है, ठीक है। वेन्यू पे एक मैच खेल के एक विकेट है, 15.5 का इकोनॉमी, बहुत पिटाएंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस में 1-1, 0-0, 2 हो सकता है पिटाने के साथ, भाई धोनी साहब है हमारे जैसा अगर इंसान रहे कैप्टन तो भाई 15.5 रन अगर एक ओवर में दे दे तो हम दोबारा बॉलिंग तो ना ही देंगे भाई, चाहे जो हो जाए भाई नहीं देंगे हम, मगर हो सकता है धोनी इनको दे दे, क्योंकि ऐसा धोनी रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो ज़्यादा ठोकवाता है उसी को देते हैं, लो धर दिखाओ आगे कितना पिटवाएगा तू, ऐसा है इनके अंदर, ठीक है धोनी साहब के अंदर। तो इसके लिए थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को कि यार क्या किया जाए इनके बारे में, क्योंकि राइट आर्म मीडियम भी है ये, धोनी का मूड का कोई भरोसा नहीं है सारा। देखते हैं एक आध टीम में जगह देंगे, नहीं तो ऐसे पूरा मुख्य टीम में हमारे जगह नहीं दे सकते हम, क्यों, क्योंकि राइट आर्म मीडियम तो है मगर बहुत ज़्यादा रन खर्चा करते, हो सकता है मूड घूमने के ऊपर है, रन ज़्यादा दिए हो सकता है धोनी फिर बॉलिंग ना दे, यो हो सकता है, तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर देखिए बेंच प्लेयर्स, ये देखिए आपके सामने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ये सब दिखाई दे रहे हैं, बात ही रह रहे तो हालांकि हमेशा खेलने आते हैं, ठीक है। आकाश सिंह ये सबको नए नहीं लाते, हो सकता है इम्पैक्ट में ये सब भी आपको खेलते कोई दिखाई दे बातों की जगह, ठीक है। अब बाकी ये सब बेंच में तो बेंचे में रह गई है, ये मतलब इनको मौके नहीं मिला अब यहाँ पर आने का खेलने का। अब देखिए ये है कमाल, यहाँ पर स्टार्टिंग है डेथ ओवर जो मैं बताया था, और जो लोग पूछते भी भैया चार चार ओवर किसको मिलेगा कहाँ मिलेगा, तो ये देखिए दीपक चहर, तुषार देशपांडे और महेश तिक्साना, ठीक है ये स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कौन है, महेश पथराना और महेश तिक्साना और तुषार देशपांडे, ये एंड करेंगे। अब रही बात यहाँ पर तुषार देशपांडे के, जो मेरे को शक नजर आ रहा था अब मेरे को शक दूर हो रहा है, मगर हाँ ये फिर से यही बात कहूँगा कि यहाँ पर मान लीजिए स्टार्टिंग में 2 ओवर करेंगे फिर 2 ओवर बचा के रखेंगे लास्ट में करने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है अगर अच्छा खासा पिटाई कुटाई हुआ तो 2 ओवर इनका कट भी सकता है लास्ट में, ओके। मगर ज़्यादातर मोस्टली जो ये बॉलर दिख रहे हैं आपको 4-4 ओवर इनको मिलते हैं, ठीक है भाई समझ में आया ना। बाकी और जो बचेंगे वो चला जाए कुछ जडेजा को तो कुछ मोइन अली को, ऐसा करके डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चले अगर यहाँ पर तो देखिए इसमें क्या है, प्लेयर बैटल मतलब प्लेयर मैचअप, कौन किसको आउट करता है। समझने की बात ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ इनको कौन कौन आउट करता है, तो देखिए राशिद खान है 2 बार आउट करते हैं इनको, मगर राशिद खान स्टार्टिंग पहले जल्दी नहीं करने आते, हालांकि हम लोग देख लेंगे आगे चल के कि स्टार्ट बॉलिंग कौन कर रहा है जीटी की तरफ से, मगर मेरे को जहां तक याद है कि राशिद खान पहले नहीं आते करें, ठीक है। फिर मोहित शर्मा 1 बार और उसके बाद तेवतिया 1 बार आउट किया है ऋतुराज गायकवाड़ को, ठीक है। उसके बाद शिवम दुबे को कौन कौन आउट करता है, तो भाई यहाँ पर देखिए शमी 1 बार और उसके बाद अहमद 1 बार, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें डेवन कॉनवे की, देख सकते हैं शमी 3 बार आउट किया डेवन कॉनवे का, जो कि शमी स्टार्टिंग बॉलिंग करने आते ही है, इसको होता है प्लेयर मैचअप का फायदा, ठीक है। अब जब बंदा 3 बार आउट किया तो हो सकता है 4th बार आउट कर ले, इसीलिए डेवन कॉनवे के बल्ले से उतना रन नहीं निकल पा रहा, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पर अजिंक्य रहाणे, तो देखिए राशिद खान यहाँ पर 1 बार आउट किया। अगर यहाँ पर शमी की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ को शमी आउट नहीं किए हैं, इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा खासा बैटिंग कर लेते हैं, और शमी का भाई आदत है कि भैया फर्स्ट ओवर जब करने आएंगे तो उसमें विकेट उनको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो सेकेंड ओवर में तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसलिए ये उनके फंदे में आ जाता है, डेवन कॉनवे आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं, ओके। चलिए आगे बात करें यहाँ पर, तो देखिए हमारे लिए आ चुका है ये एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरुजी इम्पोसिबल, ठीक है। एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरुजी जो मैं दिखाया था आपको फैंटेसी वार्स, याद है पिछला मैच जो लोग जीते यार भूल गए सर, अरे यार देखिए ये था ना गुजरात वर्सेस MI वाला जो मैं बताया था, तो ये देखिए जो हम लोग जीते थे ना, ये देखिए कहाँ गया यार भाई, अरे यार ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया है क्या, ये वाला था देखिए यहाँ पर एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरुजी 885 पॉइंट और 845 पॉइंट जो मेरे ऊपर ट्रेड किए, यहाँ तक कि हम अपना खुद अपने ऊपर ट्रेड किए थे 412 रुपये का, इसमें 123 रुपये मेरे को प्रॉफिट हुआ था। अगर मैं ज़्यादा किया होता यहाँ पर 10,000 रुपये तो 10,000 का भी प्रॉफिट हुआ होता,
मगर मैं नहीं किया था, और जगह मैं पैसे अपने फंसा दिए थे बहुत पहले, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर पाया था। तो अगली बार भी आप लोग तैयार हो जाइए फैंटेसी वार में लगाने के लिए, पैसा अगली बार भी हम जीतेंगे, ठीक है, जरूर लगाइएगा। ए क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी, ए वाला। उसके बाद रही बात यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है ये फैंटेसी, एक और आपके लिए निकल के आ गया स्टार फैंटेसी, ठीक है, स्टार्स फैंटेसी यहाँ पर, इसमें भी आप ज्वाइन करके अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। इसमें तो बहुत जैसे नहीं होता प्रिडक्टर, वही सिस्टम यही है, ठीक है, बस ज्वाइन करना है, कम बेसी यहाँ पर अपना बिड लगाइए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए, और जब लगता है आपको कि हाँ भैया मेरा बिड बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर बढ़ा है ना ये वाला, ये बढ़ रहा है, तो एग्जिट कर दीजिए, यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन देगा, आप एग्जिट कर दीजिए, बात खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी करके आप लगा सकते हैं, ओके, ये देख सकते हैं अपना, ये सारी चीज़ें हैं कमाने के लिए भाई साहब। सबसे मेन तो ये भैया 5175 रुपये में अपने लगाइए, सीधा एकदम सैकड़ा 10,000 का काम करके लेकर जाइए तुरंत तुरंत में, कोई ये नहीं है, इसको बोलते हैं हेड टू हेड जीतना, बहुत आसान है जीतना। प्लस में ये देख सकते हैं यहाँ पर मेगा लीग टिकट वगैरह सब कुछ आपको दिया जा रहा है, ठीक है। फैंटेसी वार ये है, देखिए इसमें 3 सवाल सिर्फ आपको पूछे जाएंगे बस, स्टेटस फैंटेसी, सॉरी सब एक ही टाइप से बना दिया है ना, 3 सवाल पूछे जाएंगे, तीनों का जो जवाब दे दिया सही है इसमें, मगर हाँ जवाब दीजिएगा तो सीधा फॉल्स का जवाब ज़्यादा दीजिएगा, ठीक ना, ट्रू जवाब मत दीजिएगा ज़्यादा, ट्रू में आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, ठीक है। सवाल आपसे पूछे जाएंगे, दीजिए, इसका नाम है बल्लेबाजी ये एप्लीकेशन का, बस नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, जाइए डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसे प्रॉफिट है भाई, रोज जीतता हूँ यार, अगर मैं अपना दिखाऊँ आपको, छोड़े यार ये सब क्या दिखाना है आराम से कम 36,000 रुपया, ठीक है, कितना 36,000 रुपया मेरा इस एप्लीकेशन में है, 36K जीत जीत कैसे रखा हुआ, बिरोल नहीं किया अभी 10 दिन से बिरोल नहीं किया, आराम से जीत के इसमें रखा हुआ, हाँ रोज रोज जो पहले कर रहा था बिरोल तो था, अभी सोचा अच्छा लगा सीधे 50,000 होगा तबे करेंगे, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो आप अच्छा खासा कम पैसा लगा करके बीच में जीत सकते हैं, इसलिए आप भी खेलना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग यार टेलीग्राम पे मैसेज भी, ये सॉरी इंस्टाग्राम पे मेरे पास भेजते हैं स्क्रीन शॉट वगैरह के, ये है भैया ऐसे हो गया, इतना जीत गए यहाँ पर, आप कब भेजेंगे यार, काहे पीछे पड़े हैं, हैं, जाइए देखिए उसमें निकालिए पैसा, अगर बहुत ऐसे पैसा लुटाया जा रहा है कह सकते हैं, ठीक है। कई तरह का काम देख रहे हैं फैंटेसी वार, इस पर क्लिक करके तब हमारा वहाँ पर खुल जाए कल के मैच में आपको, तो हमसे आप उसमें हमारे टीम पर ट्रेड करके कल को भी जीत सकते हैं, ठीक है। 100% कल जीतेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसा टीम मैं बनाऊंगा कल को, ओके, याद रखिएगा ट्रेड करना ना भूलिएगा। उसके बाद देखिए पॉसिबल प्लेइंग 11 गुजरात की बात हो रही है, शुभमन गिल पहले नंबर पे खेलने आएंगे, राइट हैंड बैटर ये है, और इनके अगर बॉलर की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट आर्म चाइनामैन नूर अहमद, हाँ यही थे, याद नहीं आता मेरे को, ठीक है, मोहम्मद शमी, ठीक है, मोहित शर्मा और राशिद खान, राइट आर्म मीडियम राइट आर्म फास्ट, ठीक है, मतलब फास्ट बॉलरों का ज़्यादा जलवा आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर, तो ये चीज़ ध्यान, बहुत तगड़ा इनका बॉलिंग यूनिट है भाई साहब, बहुत तगड़ा है, और खासकर बचा कुचा जो है ना राइट आर्म फास्ट मीडियम हार्दिक पांड्या भी कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ा है, बैट्समैन मतलब कोई तगड़ा नहीं है। देखिए शुभमन गिल है राइट हैंड बैटर, कितना 60 का एवरेज है इनका टोटल IPL में, ठीक है, हेड टू हेड 23 का है, अच्छा नहीं है, क्यों, क्योंकि उधर धोनी साहब भाई साहब ये जो अभी खेले हैं आज ना, वो पहले ही देख के जो है हाँ बेटा आओ आओ तो के बता रहे हैं ना, तो बस आ और चक्रव्यूह बन जाएगा ऐसे फंदा, ये क्या करना है अब, यहाँ दो चार को लग जाएगा, यहाँ दो चार को, धोनी साहब पीछे है ये अपना, बस कैसूँ ना कैसूँ हाथ पर बाहर निकलेगा क्रिस से, तो बस स्टम्पिंग चाहे कुछ ना कुछ हो ही जाना, ये जान लीजिएगा पूरा मतलब जुगाड़ बन गया होगा कह सकते हैं। तो एक तरफ से एक टीम में इनको ड्रॉप भी कर दीजिएगा, ये मत सोचिएगा पूरा ना 100% डालिए धोनी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उधर धोनी, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और उसके बाद विद्यमान शाह, बाकी आगे बताते हैं भाई साहब, इसमें वेन्यू पर 84 का एवरेज है इनका, ऐसा नहीं है, ठीक है, अब हेड टू हेड मगर 23 का देख सकते हैं, इसी से समझ में आता है कितना अग्रसन है, देख सकते हैं यहाँ पर हेड टू हेड में धोनी साहब आगे हैं, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस में 129 है, 42 है, 104 है नवाद, फिर 101 है, फिर 6 है विद्यमान शाह की बात, तो 21 है, फिर 26 का देखिए यहाँ पर हेड टू हेड में भी है, ठीक है। वेन्यू पे कितना है 14 का है, और रिसेंट परफॉर्मेंस में तो भैया 18 है, 12 है, 12 है, 0 है, 2 है, तो ये है ओपनर GT का, ठीक है। तो बोलो ना सारा कंधा भार इन्हीं के ऊपर, अगर ये गए तो पक्का GT हार जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा GT को, ठीक है। इन सब का मतलब ही नहीं कोई, देखिए साय सुदर्शन 44 का है, फिर हेड टू हेड 22 का है, वेन्यू पे 35 का है, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है 43 है, 47 है, 20 है, 19 है और 53। इस बंदे का थोड़ा सा मतलब सुदर्शन चक्र मतलब घूमा है कह सकते हैं, ओके, तो एक बार को पिकिंग हो सकते हैं ये भी। और यहाँ पर हार्दिक पांड्या की बात करें तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर भी साथ में है, 15 मैचों में 300
25 रन है और विकेट 3 लेके गए हैं। ठीक है, ज़्यादा बॉलिंग तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हेड टू हेड, मगर 15 मैच खेल करके 8 विकेट लिए हैं। ठीक है, 187 रन भी मारे साथ में। वेन्यू पे 15 मैच खेल के 319 है और 12 विकेट लिए हैं, क्योंकि राइट हैंड फास्ट मीडियमों का बॉलर है यहाँ पर। ठीक है, और रिसेंट परफॉर्मेंस में 28 नबाद पे 0 है, फिर 8 है, फिर यहाँ पर मौका नहीं मिला, फिर 8 है, फिर 4। देखिए बैटिंग से तो अभी रन उनका नहीं निकल रहा है, मगर फिर भी इस जगह को देखते हुए ये अपने टीम में तो होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं भाई साहब। उसके बाद डेविड मिलर, देखा डेविड मिलर के भाई साहब यहाँ पर क्या बात, 23 बार, फिर यहाँ 34, फिर यहाँ 41 है। उसके बाद रिसेंट परफॉर्मेंस में 4, 6, 7 41, यही वाला 41 होगा यहाँ पर। मगर हाँ, इतना कहना चाहूँगा कि भाई साहब हेड टू हेड में अच्छा खासा इनका रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, फिर भी प्लेयर बैटल हम लोग देख लेंगे कौन कैसे हो रहा है। ठीक ना, मगर अच्छा रिकॉर्ड है। और राशिद खान वगैरह से बच गया तो ठीक ठाक चलेगा फिर, क्योंकि इनका उसी टाइम नंबर ही आ गया जब राशिद खान लोगों को बॉलिंग आएगा था, मोहित शर्मा हो गए, राशिद खान हो गए। ठीक है, तो आगे देखते हैं किसके खिलाफ ये चल पाते हैं, किसके खिलाफ नहीं चल पाते। बाकी परफॉर्मेंस ठीक है, पिक करने के लायक है बंदा। ठीक है, विजय शंकर राइट आर्म मीडियम है, कभी कभी बॉलिंग करते हैं, कभी नहीं हो करते हैं, मगर हाँ ये है कि रन उन बरसा रहे हैं थोड़ा, 53, 29, 14 इसमें तो जल्दी आउट हो गए थे, बाकी बरसा रहे हैं। 7 मैच में 139 रन है और 9 मैच में 176 रन है, हेड टू हेड में 2 विकेट भी साथ मिले चुके हैं, 13 मैचों में 103 रन है। ओके, तो विजय शंकर के लिए तो मैं क्या ही कहूँ यार। पहला बात तो मतलब जो मैच अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग के, उसमें तो अच्छा खासा चला था बंदा, मगर अभी वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। सुमन गिल के आउट होने के बाद, मतलब आप अगर ऐसा टीम बना रहे हैं जिसमें सुमन गिल आउट कर रहे हैं, आप उनको हटा रहे हैं अपनी टीम से, तो उस स्थिति में ये सबको आप डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ को तो मारना पड़ेगा भाई। हाँ, उतना जितना सुमन गिल मार पाएगा उतना भले ना मारे, मगर कुछ तो मारेगा सामने, सम्मानजनक स्कोर तो खड़ा करेगा सामने, तो वो चीज़ चाहिए इसमें। ठीक है, लेग ब्रेक ये है भाई राहुल तेवतिया, 16 मैच है, 87 रन है, 0 विकेट है, हेड टू में 10 मैच खेल के 68 विकेट, 8 मतलब 8 लिए हैं, 68 रन है। और वेन्यू पे 12 मैच खेले हैं, 1 विकेट है, 59 रन है, मतलब कोई काम का नहीं मेरे हिसाब से, कोई काम का नहीं। अब कल को भले इनका किस्मत चमक जाए बात अलग है, मगर कोई काम का कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा है। हेड टू मगर ये है कि 10 मैचों में 8 विकेट लिए हैं, तो हो सकता है बॉलिंग एक आध मिल जाए इनको, मगर यहाँ पर वेन्यू पे तो 12 मैच खेल के 1 ही विकेट लिए हैं। ठीक है, लेग ब्रेक है मगर उतना काम का लेग ब्रेक नहीं है जैसे राशिद खान लोग हैं। ठीक है, राशिद खान देखिए ये भी लेग ब्रेक है, 16 मैच में 130 रन है और 27 विकेट है। ठीक है, इससे समझ में आता कि हाँ ये ओरिजिनल लेग ब्रेक है, यहाँ पे 16 मैच है मगर यहाँ पर 0 विकेट है, क्या मतलब है ना। मगर यार गड़बड़ा रहा है क्या, वेन्यू पे इसको खिलाया नहीं है क्या, हमको लगता है यार कैसे हो सकता है ये। अच्छा, ये हमको लगता है पूरा वेन्यू पे जो है ना, पूरा मैच जो खेला गया ना, कोई जरूरी नहीं इस सीजन का, पूरा मैच जो खेला गया उसका यहाँ पर डाटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस सीजन का नहीं है ये, इस सीजन में जो 7 मैच होता है ना अपने होम ग्राउंड पर, 7 मैच तो हो ही रहा है, 7 मैच ही, तो इस सीजन का नहीं है ये, अगली बार किसी चीज़ का होगा T20 का ये, 1 विकेट नहीं तो इसमें लेबर नहीं किया विकेट ये। अब यहाँ पर राशिद खान की अगर बात करें तो 16 मैच में 27 विकेट है, और हेड टू हेड में यहाँ पर 14 मैच खेल के 14 विकेट है, और वेन्यू पे क्या है भाई, 9 मैच खेल के 14 विकेट है। देख रहे हैं वेन्यू पे भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है, 7.5 का सहार हर जगह इकॉनमी भी है। रिसेंट परफॉर्मेंस में 5 नवाद पे 2 है, 30 पे 1 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पर 0 पे 0 है, फिर वही 89 है कि 80 है, 79 नवाद पे 4 है भाई। ठीक है, राशिद खान तो ये पिक करने के लायक अपने बॉलर है। उसके बाद मोहित शर्मा ये भी अपने लायक है, और कल भी इनके बारे में हम लोग बात किए थे बहुत अच्छा खासा डिटेल में, तो अच्छा खासा चले भी, 5 विकेट साथ में चले ले, ये कमाल है भाई, 2 विकेट फिर 0 फिर 4 1, उस दिन बात हुआ था कल के वीडियो में, आप लोग देखे होंगे जाके वीडियो, अभी भी है ऐसा नहीं कि वीडियो गायब हो जाता है, जाके देखिएगा। टीम में भी दिए थे मगर हाँ CBC ने बनाए थे, गलती यही हुआ था अपने से, अगर CBC कोई बनाया होगा तो अच्छा खासा उनका निकला होगा। ठीक है, राइट आर्म मीडियम है ये, और 24 विकेट लिए 13 मैचों में, हेड टू हेड में 3 मैच खेल के 4 विकेट है, वेन्यू पे 8 मैच खेल के 17 विकेट, 17 विकेट कुछ कराता है भाई, 12, 5, 17, 12 पहले होगा, मान लीजिए 5 विकेट कल मिल गए, 17 ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब मोहम्मद शमी राइट आर्म फास्ट ये भी है, इनका क्या है भाई, तो देखिए 28 विकेट लिए 16 मैच खेल करके, हेड टू में 13 मैच खेल के 13 विकेट है, वेन्यू पे 12 मैच खेल के 20 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 2, 2, 1, 4 विकेट और 0 विकेट। आप अगर गुजरात के इन तीनों बॉलर को देखेंगे ना, देख सकते हैं यहाँ पर 27 विकेट कितना गया, यहाँ पर 24 विकेट, यहाँ पर 28 विकेट, कुछ कहलाता है ये, है कि नहीं, कुछ कहलाता है, करीब में 27-28 तो ऐसे ही सला 50-54 करीब में हो गया, यहाँ पर 27-70-80 विकेट, तो ये तीनों मिलके खाली झटक दिया है सब, तो ऐसे ही नहीं गुजरात गया है भाई साहब, इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ है उसके पीछे। ठीक है, अब एक और देखिए यहाँ पर
नूर अहमद लेफ्ट आर्म चाइना मैन का, 12 में 14 विकेट है, हेड टू हेड में एक मैच खेल के एक विकेट है, वेन्यू पे 6 मैच खेल के 5 विकेट है। तो वो लेफ्ट आर्म चाइना मैन उतना कारगर नहीं है, हो सकता है एक आध विकेट मिल जाए मगर उतना कारगर नहीं है जितना कि वो लोग रहेंगे, तो उनको छोड़ करके इनको लेकर जाना थोड़ा सा रिस्क रहेगा अपने को, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस में 0 है, देखिए पिछला मैच जो खेले उसमें 0 है, क्योंकि चाइना मैन को उतना अच्छा चल नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक विकेट है, फिर 2 विकेट, फिर 0 है, फिर 0 है। उसके बाद क्या है, जोशुआ लिटिल जो कि इम्पैक्ट प्लेयर में खेलने आते हैं, ये लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है। अब इनका अगर बात करें तो 9 मैच में 7 विकेट है, और हेड टू हेड में एक मैच के खेल करके एक ही विकेट है, 10.5 का इकोनॉमी है। उसके बाद वेन्यू पे 5 मैच टोटल खेले, 3 विकेट लिए हैं, 9.5 का इकोनॉमी है। रिसेंट परफॉर्मेंस में 1-1-0-2-0, देखिए उतना कह सकते हैं वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। हर मैच में विकेट ये नहीं ले रहे हैं, ये भी ले लिए तो कोई ये नहीं था, गारंटी नहीं था इनका, ठीक है। हर मैच में नहीं है, तो हो सकता है आप इनको छोड़ दे तो मेरे हिसाब से बेहतर है, इनसे अच्छा आपको बॉलर यहाँ पर मिल जा रहा है। अगर मान लीजिए आप बॉलर ही चूज कर रहे हैं तो एक हो गया मान लीजिए मोहम्मद शमी, राशिद, और उसके बाद कौन, ये महेश, क्या नाम था, एक याद नहीं आ रहा है, महेश ठिकसाना है एक तो, ठीक है ना, महेश पथराना शायद है ना, वो हो गए। उसके बाद ये मोहित शर्मा हो गए, 4 बॉलर अपने पास ऐसे ही हो गए, मतलब मुंह जबानी स्टेट्स। उसके बाद कौन था एक तो और चेन्नई के 2 बॉलर शायद था उसको जो मैं बताया आपको, तो ये सब 5-6 बॉलर आपके पास ऐसे ही हो जाएंगे, तो आप इन सब बॉलरों के बारे में सोचना भी अच्छा नहीं है फिर, ठीक है। उसके बाद बेंच प्लेयर, ठीक है, बेंच में यहाँ पर पता ना काहे लिए ला ला के सब वो का है और स्मिथ उससे टंटना कर बेंच उम्र ला के खड़ा कर दिया, खड़ा रहो खाली बेंच पे, नहीं लाना है फील्ड पे, ये सिस्टम है, ठीक है। इंपैक्ट में सीओ मार्ग तो मौके नहीं दिया सब, चल तू मत खेल, जोशुआ लिटिल खाई से मौका देता है बस, ठीक है। ये है इंपैक्ट प्लेयर जिस पे स्टार बना हुआ है, बाकी ये सब बेंच प्लेयर बैठे हुए, मैथ्यू वेड वगैरह सब बैठे हुए, ठीक है, 10 सने का वगैरह। अब उसके बाद देखिए और क्या है, स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर। स्टार्टिंग ओवर कौन है भाई, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या और अरशद सॉरी राशिद खान। इसलिए मैं हार्दिक पांड्या का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझा क्योंकि ये स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। अब बेशक 2 ओवर फेंके, 1 ओवर फेंके, 3 ओवर फेंके, 4 ओवर फेंके, ये इनके ऊपर है क्योंकि कप्तान खुद है, ये कैसे मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं ये जानते हैं, मगर हाँ फेंकते जरूर है, कभी कभार नहीं हो फेंकते यो बात है, तो ये तो बिल्कुल तय है, ये तो बिल्कुल तय है। उसके बाद जोशुआ लिटिल है, मोहम्मद शर्मा है और यहाँ पर मोहम्मद शमी है, ठीक है, मोहित शर्मा सॉरी, इसलिए इनको विकेट को अच्छा खासा मिल जाता है ना, मोहित शर्मा को देख रहे हैं इंड में करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताया हम, जो बॉलर इंड में बॉलिंग कर रहा है और इस वेन्यू पे अच्छा खासा विकेट लिया है उसको आप मत छोड़िएगा, ठीक है ना। तो आपको हम इंड पॉइंट बता ही दिए हैं, अब अच्छा खासा बॉलिंग पे विकेट वेन्यू जो बता रहे हैं, तो वेन्यू, ठीक है, वेन्यू जो बता रहे उस पर कौन अच्छा विकेट लिया ये आप देख ही सकते हैं, उसको मत छोड़िएगा। बाकी स्टार्ट वाले में कौन है, शमी थोड़ा सा तगड़ा है भाई, सभी को विकेट चाहिए ही चाहिए सबको पता है, तो उसको आप लेके जा सकते हैं। बाकी उसके बाद रही राशिद खान के, तो राशिद खान तो भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये सबको पता है ये चीज़ में, तो इनको भी लेके जा सकते हैं। बाकी हार्दिक पांड्या का चाहे तो एक बार को ड्रॉप भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि यार कितना ओवर करा दे बंदा कोई पता नहीं, और प्लस में बैटिंग भी कर लेते हैं तो बात ये हो जाती है। लेके जाने का मेन जो है ना अपना कारण ये हो जाता है कि चल भैया लेके चल क्या कर सकते हैं यार, है ना ऐसा। उसके बाद क्या है, प्लेयर बैटल, अब ये समझिए कौन किसको आउट करता है। देखिए सुमन गिल की अगर बात की जाए, इनको आउट करने वाला दीपक चहर, 3 बार आउट किया, ठीक ना, 47 बॉल पे 62 रन देकर 3 बार। तुषार देशपांडे 1 बार, ठिकसाना 1 बार और पथराना भी 1 बार आउट किया। डेविड मिलर को कौन करता है भाई साहब, तो चहर 1 बार, जडेजा 2 बार है और अली 3 बार, सॉरी 1 बार, 1 बार सॉरी 2 बार 3 बार, हम यहाँ 1-2-3 सीधे कर दिए यहाँ पर, मगर एक ही है, ठीक है। तो मोइन अली 1 बार करते हैं, उसके बाद विद्वान शाह का कौन करता है भाई, तो जडेजा 2 बार, अभी चार 1 बार करते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या को भाई, तो दीपक चार 1 बार है, जडेजा 2 बार है, फिर उसके बाद पथराना 2-1 बार है और ठिकसाना 1 बार, 3 बॉल फेंक करके 1 रन देके 1 बार आउट। पथराना क्या है, 1 बॉल फेंक करके 0 रन देकर 1 बार आउट। तो ऐसे हैं, कभी मतलब चली कभी ना चली, बेचारे की गाड़ी नहीं चल पा रही है, ये तो मतलब चलता फिरता बम, कब 70 रन मार दे, कब 50 रन मार दे, कब 0 पे आउट हो, कोई पता नहीं। इनको इसी के लिए टीम रखबे किया, तू आओ मार जो होगा देख लेंगे बाद में, है ना, बाद में रखे हैं हम विकेटों को, इसलिए इनको रखा गया बस विद्वान शाह को। उसके बाद क्या, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है जहाँ पर आपको टीम इसका दिया जाएगा, फुल फाइनल टीम कर सकते हैं, ओके। तो ये देख सकते हैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और कमेंट बॉक्स में फर्स्ट में पिन किया, जिसमें हमारे चैनल से पिन किया हुआ होगा, एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी और ऐसे टिक किया होगा, ठीक है, वो हमारा ओरिजिनल चैनल मानिएगा, नहीं तो और ये मैं सोचिएगा कमेंट बॉक्स में कौन आकर के मेरे नाम से पिन कर दिया, टेलीग्राम में ज्वाइन हो गए, सपना देख रहे हैं भैया हमारे का टीम दे, ये उन्हें दे,
वो पैसा ले तब दे। अब बहुत सारे लोग पैसा दिए भी है कि भैया पैसा दो। एक और अभी कमेंट आया था 1499 रुपये, भैया हम दे दिए आपको, टीम नहीं दिया। अरे बुढ़बक, इस पर आके देख यहाँ पर कौन सा लड़का यहाँ पर पैसा तुमसे मांगा जा रहा है। मांगते हैं गदावा यहाँ पर ये ना खड़े, देख यहाँ पर ये वाला, ये कि नहीं लाइक इमोजी सब मांगते हैं बस। वो गदावन को समझ में आता नहीं है साला, है गदा लिया पैसा दे देगा जाकर के वहाँ पर, उसके बाद कमेंट करेगा हमारे को, कह रहे भैया ऐसे हो गया वैसे हो गया। क्या बताया जाए, दुनिया साला बहुत बेकार है। इतना समझाते हैं बच्चा लेकर यहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, तब वो नहीं समझ पा रहे हैं, आए हैं जीएल खेलने के लिए। अब पैसा देके फंस जाने के बाद हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, हम बेवकूफ़ कमेंट पढ़ने वाला वैसा आदमी, पढ़ना ही नहीं चाहिए हमको कमेंट ऐसा लोग का साला। मैं फिर भी मन नहीं मानता यार, कौन कहाँ लिखा होगा पढ़ लो यार, लोग इतना ना अवॉइड कर दो यार, कौन कहाँ कर रहा मतलब नहीं, अपना वैसा नहीं है यार, अलग किस्म का इंसान हूँ मैं, ठीक है ना। सब पढ़ता हूँ कौन क्या लिखता है क्या नहीं, इसलिए कमेंट भी किया कीजिए। और ये सब देख सकते हैं यहाँ पर आपको मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम को पहचान देखिए, यही आपको वीडियो दिखाई देगा मेरा चलता फिरता, ठीक है। तो ज़रूर इसी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, लिंक वही डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है वहीं से। उसके बाद ये आपके लिए टीम है, तो लीजिए इसका खटखटा करके स्क्रीनशॉट जल्दी से एकदम कड़कड़ा करके 4K में वीडियो दिखा कीजिए यार, 4K में 144p में मत दिखा कीजिए उसको, आप मतलब रेजोल्यूशन हाई कर लिया कीजिए कह सकते हो उसको, ठीक है। मतलब क्वालिटी वीडियो का, जिससे कि एकदम क्लीन दिखाई दे। अब स्क्रीनशॉट ऐसे लेंगे अपने तो आपके पास क्लीन दिखाई देगा। जो लोग बोलते हैं कभी कभी नाम भैया नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, अरे कैसे नहीं दिखे, जब क्लीन करेंगे आप तब ना दिखाई देगा। हाँ तो इसमें भाई मोटा मोटी बताते आपको कौन कौन बॉलर यहाँ पर, कौन बैट्समैन है, कौन वह एक, अरे साला चल रहे मूड खराब, अच्छा यहाँ चला गया है, ओ एक है कौनवे, दूसरा दुबे, गायकवाड़, सुदर्शन, और यहाँ पर देख सकते हैं गिल है, ठीक है, जडेजा है, चहर है, पथराना है, खान साहब, शमी और शर्मा, यही इम्पोर्टेंट है ही बॉलर। उसके बाद जोशुआ लिटिल को यहाँ पर रख लिया हूँ मैं, फिर पथराना है, फिर खान साहब, शर्मा और शमी को लेना ही लेना है भाई साहब, फिर गायकवाड़ यहाँ पर मैं कैप्टनसी दे दिया हूँ, यहाँ पर मैं कैप्टनसी किसको दिया हूँ, इसको दे दिया हूँ भाई गिल को दे दिया हूँ, इसको जस्ट यहाँ पर उल्टा कर दिया हूँ, इसको CBC उसको पलट दिया भाई, कौन ज़्यादा खेल लेगा कोई पता नहीं है कल को, ये खेल ले कि ये खेल ले, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके जगह पर कौन में जगह शाह को लेकर के आ गया उस टीम में, मैं यहाँ पर शंकर को लेकर के आ गया हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग लाया हूँ, वेरिएशन चेंज किया हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर मोइन अली है, जडेजा है, जोशुआ लिटिल यहाँ पर है, ये बता दीजिए। उसके बाद एक और टीम जो मैं बनाया था इसमें देखिए, यहाँ पर गायकवाड़ को कर दिया, उसके बाद कॉनवे को कर दिया CBC, क्योंकि हो सकता है अगर ये टीम पहले बैटिंग करने आ जाए तो पहले दम भर धुन देगा, तो उसके बाद ड्यूटी हो सकता है चेंज करने में इसको दिक्कत आए, क्योंकि देखिए हम लोग एक चेंज करने में दिक्कत आ रहा है GT को, स्टार्टिंग देखे थे हम लोग ना कि दिल्ली के साथ चेंज नहीं कर पाया था, तो हो सकता है ऐसा, इसलिए हम इसमें बना दिए, चलो भैया ऐसा भी कर लो, ठीक है। तो ये सिस्टम से हम टीम बनाए हैं अभी के लिए, बाकी का टीम आपको कल को टेलीग्राम में मिलेगा। तो भाई बताइए आप वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो भाई बिल्कुल एक लाइक करिए, अगर नहीं किए तो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपकी ज़रूरत है भाई, ठीक है। आप इससे सहयोग लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भाई ये भी आप ही को करना, कोई यहाँ से जंगल से आदमी नहीं आएगा इसको करने, सब्सक्राइब या कुछ भी करना, ठीक है, आप ही करेंगे, ओके। जरूर नीचे दिया हुआ लिंक का वही सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, टीम आप तक धड़ल्ले से पहुँचेगी। मिलता है यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।